नमस्ते दोस्तों, डाली मोनेस्ट्री के बाद हम लोग जा रहे हैं भगवान भोलेनाथ को समर्पित महाकाल मंदिर में, जो कि दार्जिलिंग के मॉल रोड के पास में ही है। दोस्तों, महाकाल टेंपल में जाते समय रास्ते में न्यू महाकाल मार्केट पड़ता है। रास्ते के साइड में छोटे छोटे स्टॉल बनाए गए हैं, जहां से आप चाहे तो अपने पसंद के अनुसार शॉपिंग कर सकते हैं, पर इस मार्केट में आपको ठंडी के कपड़े अधिक दिखाई देंगे। दोस्तों, यहीं से शुरू होता है श्री श्री महाकाल मंदिर में जाने का सफर। इस मंदिर में जाते समय आपको पतली सड़क पर चलते हुए पैदल ही जाना पड़ता है, क्योंकि यह मंदिर थोड़ी ऊंचाई पर स्थित है। मॉल रोड से लगभग 300 मीटर है और इस टेंपल में जाने के लिए थोड़ा ऊपर चढ़ना पड़ता है। काफ़ी लंबा चढ़ाई है, खड़ा चढ़ाई है, सांस फूलने लगेगा दोस्तों। हम लोग दोनों चढ़ रहे हैं, पहुंच गए थोड़ा सा और चढ़ने के बाद दोस्तों, यहाँ पर एक अभी दम फूल रहा है, आराम करने के लिए बनाया गया है, थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं, सांस फूल रहे हैं बहुत। काफी नजदीक पहुंच गए हैं, अभी और थोड़ा जाना पड़ेगा, उसके बाद एक मंदिर आएगा, फिर उसके बाद और एक मंदिर आएगा, तब महाकाल का मेन मंदिर दर्शन कर लेंगे। दोस्तों, पहुंच गए महाकाल मंदिर में, अब देख पा रहे होंगे बोर्ड। महाकाल मंदिर दार्जिलिंग के ऑब्जर्वेटरी हिल कहलाई जाने वाली पर्वत चोटी के ऊपर स्थित है, जहां एक साथ ब्रह्मा विष्णु और महेश की पूजा की जाती है। इसीलिए भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर हिंदू त्रिमूर्ति देवों में शामिल हो जाता है। महाकाल मंदिर के पास ही एक छोटी सी गुफा है, जिसे महाकाल गुफा कहते हैं। इस गुफा के अंदर भी भगवान शिव का शिवलिंग स्थापित है। इस गुफा में प्रवेश करने के लिए पर्यटकों को लेट कर और बैठ कर जाना पड़ता है। दोस्तों, यह मंदिर हिंदू और बौद्ध धर्म का एक पवित्र पूजा स्थल है। यह एक अद्वितीय धार्मिक स्थल है, जहां दोनों धर्म सौहार्दपूर्ण तरीके से आपस में मिलते हैं। महाकाल मंदिर के रास्ते में आपको हजारों बौद्ध झंडे लहराते हुए दिखाई देंगे, जो हिंदू और बौद्ध धर्म की एकता को दर्शाते हैं। महाकाल मंदिर के पास ही तिब्बती स्मारक मंदिर भी स्थित है, जहां डोर्जे रिंजिंग के अवशेष हैं, जो कि इस मंदिर के मूल निर्माता हैं। इसके अलावा यहां भगवान गणेश, साईं बाबा, मां दुर्गा, काली
राधा कृष्ण भगवान राम बजरंग बली और अन्य देवी देवताओं को समर्पित कई छोटे छोटे मंदिर भी हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इस स्थान पर सन 1782 में भगवान शिव को समर्पित शिवलिंग स्वयं अवतरित हुआ था और शिवलिंग तीन थे, इसीलिए इन्हें ब्रह्मा विष्णु और महेश के तौर पर पूजा जाने लगा। ऐसा माना जाता है कि आज जहां महाकाल मंदिर है उस स्थान पर डोरजे लिंग नामक मोनेस्ट्री हुआ करता था, जिसे 1765 में डोरजे रिंजिंग लामा ने बनवाया था और इसी के नाम पर दार्जिलिंग शहर का नाम पड़ा। इस मंदिर की खासियत यह है कि पर्यटक बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के पुजारियों को एक साथ देख सकते हैं। हिंदू पुजारी जहां श्लोक पढ़ते हुए पूजा करते हैं, वहीं बौद्ध भिक्षु पवित्र ग्रंथों का उच्चारण और मंत्र लिखे सुनहरे ड्रम को घुमाते हैं।